और हम सब ये मांग करते हैं कि उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो यहीं पे ये आमरण अनशन लगातार ये जारी रहेगा। पाल महोदय जी को ये स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, रायबरेली के हमारे पुलिस प्रशासन को, ये बहुत ही निंदनीय है। उसको स्वयं संज्ञान में लेकर उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अगर उन्हें हम खाल खींचने की बात कहें तो क्या ये मर्यादित है? लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे। मैं तो निवेदन करता हूं अखिलेश यादव जी से भी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी से कि ऐसे अपने जो है पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से पार्टी से बर्खास्त किया जाए और उनकी सदस्यता रद्द की जाए। इस समय मौजूद हैं महाराजगंज कोतवाली के ठीक सामने, हमारे पीछे यहाँ पर भारतीय युवा मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद हैं और ये धरने पर बैठे हैं। इनसे पूछते हैं, अगर ये किस लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? सब क्या नाम है आपका? संतोष पांडे, जिला कार्य समिति सदस्य भाजपा रायबरेली। किस लिए यहाँ पर आप लोग बैठे हैं आज? अभी एक रोड सड़क बनवाने के लिए जो है बाबा जी यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ये स्वाभाविक है, ये हम सबका जो है एक नेचर है। अगर कई चीज कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसके लिए हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। उसी धरना प्रदर्शन में एक आफताब खान जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं ऐसा सुना गया है और यही तिलोई के रहने वाले हैं और आज लगभग 5 दिन हो गया है और उन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के विश्व विख्यात मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को खाल खिंचवाने जैसे शब्द कहे हैं, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और हमारे सभी यहाँ युवा साथी महाराजगंज के जो आज यहाँ इकट्ठा हैं और हम सब ये मांग करते हैं कि उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो यहीं पर ये आमरण अनशन लगातार ये जारी रहेगा। मुकदमा तो दर्ज हो चुका है? मुकदमा दर्ज जो हुआ है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है और प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को कोई खाल खींचने की बात करे और कहा जाए कि मुकदमा दर्ज हुआ है, वो भी मुकदमा दर्ज हुआ जब हमारे साथी तीन दिन बाद जब प्रार्थना पत्र देते हैं तब मुकदमा दर्ज होता है। ये स्वयं संज्ञान लेना चाहिए कोतवाल महोदय जी को, ये स्वयं संज्ञान लेना चाहिए रायबरेली के हमारे पुलिस प्रशासन को, ये बहुत ही निंदनीय है। उसको स्वयं संज्ञान में लेकर उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। क्या लगता है अपनी सरकार में धरने बैठना पड़ रहा है? नहीं, ये देखिए, अपनी सरकार में धरने बैठे यही तो हमको आईना दिखाना है। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को कोई अपशब्द कह के चला जाए और हमारा प्रशासन जो है मुख दर्शकों को देखता रहे, उसे हमको जगाना है। ये युवा साथी जगाएंगे, जगाने का हम काम करते हैं। इससे पहले भी युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने धरना दिया था गिरफ्तारी को मांग को लेकर, अब आज आपको यहाँ पर बैठना पड़ रहा है, कैसा लग रहा है इस समय? ये देखिए बहुत ही अचंभ है, ये क्षमा करने योग्य नहीं है। इसीलिए आज ये धरने पर बैठा गया है कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें समझ में आ जाए कि आप योगी आदित्यनाथ जी आपके मुख्यमंत्री हैं और आप उनकी सरकार में काम करते हैं और इस तरह से कोई विपक्ष का आदमी अगर आकर के हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को असभ्य बातों का बात बोलेगा तो उसे हम कड़े शब्दों में जवाब देंगे और आप रहने लायक नहीं हैं यहाँ। फिर ऐसे लोग हमारे यहाँ पे महाराजगंज से कोतवाल रहने लायक नहीं है। बात नहीं हुई इस बारे में उच्च अधिकारियों से? बात नहीं हुई? बात हमारी कल ही कुशवाहा जी से हुई थी, हमारे जो कोतवाल महोदय जी हैं इसीलिए वो निवेदन कर रहे थे कि बात कर ले। बात करने से बात नहीं बनती, 5 दिन हो गया है, ये शर्मनाक है। क्या मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, हमारे जिसे हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी में संस्कार है। अगर हम आज अपने पूर्व मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अगर उन्हें हम खाल खींचने की बात कहें तो क्या ये मर्यादित है? लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे। मैं तो निवेदन करता हूं अखिलेश यादव जी से भी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी से कि ऐसे अपने जो है पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से पार्टी से बर्खास्त किया जाए और उनकी सदस्यता रद्द की जाए। अच्छा, क्या लगता है अगर कार्रवाई नहीं हुई, अगर गिरफ्तारी नहीं, फिर क्या करेंगे फिर आप लोग? कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी और आप मान के चलें कि बहुत जल्द कार्रवाई होगी। कब तक आप लोग बैठेंगे यहाँ पर? ये जब तक कार्रवाई नहीं, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक बैठेंगे। 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन जितने दिन बीतेगा, प्रशासन को अगर उनके हिसाब से चलना है तो चले, फिर हम तो बैठे रहेंगे धरने पर। तो ये यहाँ पर थे संतोष पांडे जी, इनके नेतृत्व में यहाँ पर जो है लोग धरने बैठे। इनका साफ तौर कहना है कि समाजवादी पार्टी के तिलोई विधानसभा के जो मेहताब खान नेता हैं, अगर जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक ये लोग यहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे। द यूपी टीवी के लिए शिव अवस्थी।